हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग अ नाइटमेयर दैट आई हैड रिसेंटली. मेरे को यह सपना आया कि मैं एक दिन क्लास में आया हूँ, यहाँ ना आंसर ही आंसर पढ़े, मेरा काम बढ़ गया बहुत सारा. फिर मैं अभी आया तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई है कि चलो एक ही है, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा. तो मैं तो डर गया था एक बार जब रात को, तो मैं जब सपना आया ना, मैं टाइम देखा, मैं कहा यार कहते भी हैं इसी सम वाले सच हो जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हो जाए सच, पर अच्छा है नहीं हुआ. एक ही आंसर है, बाकी कहाँ है? कहीं कहीं लिख दीवारों पे लिखते हो आप लोग कि आप ला नहीं सकते, कौन दीवार काटेगा, भारी होती है, कौन बैग में डालेगा ईंटे. मेरे को मोटिवेट कर दो थोड़ा सा ताकि आपको मैं बेस्ट क्वालिटी दे सकूं. राइट, मेरे में इससे ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ज़्यादा पोटेंशियल है मेरे में. दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर. यूज़ इट, और उससे पहले अपना है ना. आप लोग लिख दिया करो आंसर्स वगैरह. रोड ब्लॉक्स हिट होंगे जैसे ही आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग में आओगे. यू विल फाइंड सर्टेन रोड ब्लॉक्स, यू विल फाइंड सर्टेन थिंग्स जो तुम्हें अपने बारे में पहले नहीं पता थी. तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा उसके बाद में, वो स्टेज आनी ज़रूरी है. जितना प्री से दूर आ जाए ये स्टेज उतना अच्छा है, ताकि आप थोड़े काम माइंडसेट के साथ में जाओगे. वरना क्या तरीका है? हाँ, 18 तो हो ही गई है आज, 13 दिन के अंदर आई थिंक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी यूपीएससी की, और आपकी धड़कने जो हैं उसमें 10-15% की बढ़ोतरी होएगी रेगुलरली जब तक प्री नहीं हो जाता. तो आपका दिल 10% ज़्यादा स्पीड से धड़केगा, है ना. अगर 80 पे है, 80 BPM पे है, तो 88 पे हो जाएगा. राइट, तो वो सब कंट्रोल में रहे, आपकी नर्व्स कंट्रोल में रहे. आप लोग क्योंकि आई रियली वॉन्ट ये वाली एक्टिविटी ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये रैंक एंश्योरिंग एक्टिविटी है. ये प्रीलिम के ऊपर आपका रैंक नहीं बनता, और उसके बाद में आपके पास में, इसको मैं अच्छे वे में कैसे बोलूं कि अब हर्ट ना हो, रुको, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग अपना मेंटल स्टेट अप कर सको, है ना. अब आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप अब नहीं कर रहे हो, मतलब बेसिक सी चीज़ है ना कि यही टाइम है, अभी कर सकते हैं, बाद में नहीं होगा. फैक्ट है, आप अभी कुछ सोच के नहीं कर रहे हो तो तब तो पक्का ही नहीं करोगे. इससे तो नहीं हर्ट हुए ना? हाँ, तो तब आप पक्का नहीं करोगे. राइट, एंड दैट इज अ श्योर शॉट फेलियर तुम्हारा. मेरे पर नया बैच आ जाएगा, है ना. तो आप लोग इसको थोड़ा सा रेगुलरली कर लोगे तो अच्छा रहेगा. कंटेंट थोड़ा बेटर समझ में आता है, ये आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है. कोई कारण है कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चंस? बेवकूफ तो नहीं हो तुम लोग, ये तो मुझे पता है. रीजन तो होगा, है कोई, मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है. अगर पेपर वगैरह में प्रीलिम के ऊपर फोकस कर रहे हो तो तब भी इट्स ओके कि आप प्रीलिम के ऊपर शिफ्ट हो गए, मेंस के आंसर नहीं लिख सकते, तो दैट इज़ आल्सो फाइन स्ट्रेटजी. मैं भी ऐसी करता हूँ, था कि एक समय के बाद में आंसर छोड़ देता था लिखने बिल्कुल ही. राइट, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टेक्निक. अगर वो कर रहे हो तो वो आपको जुलाई से नहीं करनी थी, वो फेब से करनी थी. राइट, तो अगर वो किसी के दिमाग में है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटजी. पर गिव मी समथिंग, मतलब कुछ तो मुझे बता दो कि क्यों ऐसा, कोई इशू है तो वो बता दो.
एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं आपके, कॉलेज वगैरह खत्म हो गए, किस किस का कॉलेज चल रहा है अभी? हाय ओए रब्बा, बाकी सब का कॉलेज भी नहीं चल रहा है, ठीक है। और आइए बच्चे, कौन कौन रेगुलरली ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट रेगुलरली कौन दे रहा है? रेगुलरली स्कोर वगैरह ठीक आ रहा है वहाँ पे? कि वहाँ भी पिटा हुआ स्कोर आ रहा है अभी, ठीक आ रहा है? ऑनेस्टली कौन बताएगा? मैं लिस्ट भी मंगवा ही सकता हूँ वैसे तो, मैं यहीं भी देख सकता हूँ लिस्ट पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? आर यू सीइंग कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है? देख पा रहे हो इसको क्लियरली, है ना? ठीक है, कहाँ डॉक्यूमेंट पड़ा एक्स्ट्रा कहाँ पे? ठीक, विद दैट पॉजिटिव नोट लेट्स बिगिन द क्लास। आ जाओ डॉक्यूमेंट खोलो, मिल गया सबको ना? आई, और इसका रिवीजन का स्टेटस ठीक चल रहा है? झूठ बोल दो अब मेरे सारे सवालों के जवाब में, झूठ बोल देना, मेरा मूड ठीक कर दो एक बार, ठीक है? मैं दोबारा पूछता हूँ, रिवीजन ठीक चल रही है? थैंक यू, गुड, दैट्स द स्पिरिट। एक से 25 तक कंप्लीट हो चुका है, दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर 26 नाउ, राइट? इसके बाद से जो हम रिवीजन करेंगे, अब कितने डॉक्यूमेंट्स की करनी है एक साथ आप लोग डिसाइड कर लो, बता दो, ठीक है? तो हमने 6 या 7 की कर लें, 7 डॉक्यूमेंट्स ही कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट जो साइकिल बनेगा वो 1 महीने के अंदर फिर से हम सही हो जाएंगे, राइट? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 to 7 हम रिवाइज करेंगे। किस डेट को मिलेंगे दोबारा? सी सेट देना तुम लोगों ने, तो ऑफ होगा ना उस दिन? तो नहीं नहीं होगा, सरकार बोलती है हम नहीं पढ़ा सकते आप लोग को उस दिन, आपको सरकार में भेजना है ना, हमने उनकी माननी पड़ेगी हमें। 26 को बंद होगा शायद, चलो देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट? आइए बच्चे, फर्स्ट टॉपिक। सो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, पिछले कुछ टाइम से कल्चर के टॉपिक कम आ रहे थे, तो ये एक टॉपिक कुछ इतना कुछ खास भी नहीं है, कुछ कल्चर से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं इसका, बट इट्स अबाउट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज, है ना? और आपका PCS वगैरह भी आ रहे हैं, HCS PCS, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो सीधा पूछ सकते हैं कि AI2 अभी रिसेंटली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने किस लैंग्वेज के लिए किया है, सीधा सवाल आ सकता है, तो उसके लिए देखते बच्चे। आइए, सो एक ट्रांसलेशन टूल जो है वो डेवलप हो रहा है फॉर योर कश्मीरी लैंग्वेज। वैसे तो मैं पूछने वाला था कि इज कश्मीरी ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज, बट मैं बोल चुका हूँ, तो इट इज़ वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, राइट? कितनी है टोटल? ठीक है, एक काम करते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज के ऊपर ना एक छोटा एक शॉर्ट नोट डाल लेते हैं साइड पे पहले, फिर देखते हैं क्या है करंट अफेयर। सिर्फ वो मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जा सकता है ना कश्मीरी के बारे में, वो लिख के दे रहा हूँ मैं। It is an Indo-Aryan language. वैसे आप गैस भी कर सकते थे, Indo-Aryan language. Having 2 dialects. DIALECTS, लोकल बोलने का तरीका, डायलेक्ट समझते हो ना? जैसे अगर हम पंजाबी की बात करें तो यहाँ पे हम डैं डैं नहीं करते, है ना? लेकिन आपको एक रीजन है वो उसकी वो है, तो दैट इज कॉल्ड अ डायलेक्ट, राइट? यहाँ पे अलग तरीके से लैंग्वेज है, वहाँ पे अलग तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेम है, वी विल कॉल इट पंजाबी, राइट? बट डायलेक्ट अलग अलग हो गया, राइट? ये आपको ऐसे का टॉपिक आ सकता है कभी, मतलब इसके अराउंड ना, ऐसे या कल्चर के अराउंड कुछ क्वेश्चन, कि इंडिया के अंदर हर 50 किलोमीटर्स पे कल्चर चेंज हो जाता है कमेंट, कुछ इस टाइप का सवाल इसके अंदर बन सकता है। वहाँ पे एक मेजर जो पोर्शन बनता है वो इस चीज़ का बनता है कि जो आपका डायलेक्ट है
वो हर 15-20 किलोमीटर पे डायलेक्ट चेंज होना शुरू हो जाता है, यहाँ की लैंग्वेज और 50 किलोमीटर दूर आपका अम्बाला की लैंग्वेज, उसमें बहुत फ़र्क है, चाहे हिंदी ही बोलेंगे पर आपको फ़र्क देखने को मिलता है वहाँ पे, राइट। तो एक कल्चर का एक कुछ सवाल इसके ऊपर बन सकता है। डायलेक्ट्स लिख लीजिए, किश्तवाड़ी, KISHTWARI, एंड पोगली, POGULI। मैं बंगाली में आप लोगों को पागल नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ डायलेक्ट, राइट। कैसे आएगा सवाल इसके ऊपर, ये किश्तवाड़ी एंड पोगली रिसेंटली हर्ड इन न्यूज़ या कुछ भी इस टाइप का, इज अ डायलेक्ट, आर अ डायलेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, है ना। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है यहाँ पे। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, आफ्टर हिंदी, ये 2011 सेंसस का आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आफ्टर हिंदी कश्मीरी इज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन इंडिया। लैंग्वेज कैसे ग्रो करती है, नहीं व्हाट डज इट मीन कि लैंग्वेज ग्रो होगी, ज्यादा लोग बोल रहे हैं, मतलब समथिंग अराउंड, बट अगर इसको हम मेजर करने की बात करें, इसमें ये होता है कि कितने लोग इनके कोर्सेज में एनरोल हो गए हैं, दैट्स हाउ वी से कि ये लैंग्वेज ग्रो हो रही है, राइट। और इफेक्ट यही सब चीज़ें करेंगी, माइग्रेशन बोला था आपने, हाँ माइग्रेशन, इन सबको चीज़ें इफेक्ट करेंगी। कश्मीरी इज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन इंडिया। एक और लिख लो, फॉलोड बाय मैथी, MEITEI, क्या बोलते हैं मैथी को, एक और नाम है ना उसका, कहाँ पे होती है मैथी लैंग्वेज, हाँ तो मणिपुरी इज एक्चुअली मैथी, हाँ तो ब्रैकेट में लिख लो मणिपुरी। दिस इज 2011 सेंसिस। और कोई लैंग्वेज डूबती कैसे है, मतलब डिक्लाइन कैसे आ जाता है किसी लैंग्वेज का, की पॉपुलेशन ही कम होगी, उनकी वही मैं जानना चाह रहा हूँ बच्चे क्यों। हाँ ठीक है, एक तो वो बोल रहे हैं कि यूजलेस हो गया, आपकी लैंग्वेज डेवलप करगी, फर्दर चली गई आगे, है ना, तभी आपकी जो गुरबाणी में लिखी हुई पंजाबी है, आज जो हम पंजाबी बोल रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, चेंज आ गया, लेकिन है वो वही लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ है, राइट। सेम आपको और राइटिंग्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ओ व्हाट डज इट मीन, मतलब हाँ नए वर्ड्स आ गए, देखो पॉइंट वैलिड है ये, पर इसी तरीके से लैंग्वेज जिंदा भी रहती है, राइट। एक ऐसी कोई चीज़ आ गई जो आपकी लैंग्वेज में उसका वर्ड ही नहीं है, है ना, एक ऐसी चीज़ आ गई तीन पहिए वाली कि आगे भी एक टायर है पीछे भी दो टायर है, पीछे दो लोग बैठे हैं आगे एक चला रहा है, इसको बोलें क्या हिंदी में, फिर हमने उसको अडॉप्ट कर लिया कि लेट्स कॉल इट रिक्शा ओनली, हम हिंदी में हमने इंग्लिश से वर्ड ले लिया, तो लैंग्वेज ग्रो होगी उस केस में, डेड भी हो सकती है, कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको मेरे को। हाँ जैसे अगर मैं अचानक से आपसे शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने लग जाऊं तो एक वक्त पे आप घबरा जाएंगे, है ना, यस दैट्स व्हाई, ठीक है। और लैंग्वेज कोई बोलना छोड़ेगा क्यों, आप लोगों ने कोई लैंग्वेज बोलनी छोड़ी है, एग्जैक्टली क्यों, प्रमोट करना क्यों बंद कर दिया, मेरा सवाल वो है, बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं, हाँ इसमें ना बच्चे एक बारी आप पॉइंट इसमें सोसाइटल बायस देखिए, ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं ये ऑलरेडी इसमें है, देखिए जरा
perceived societal bias against speaking Kashmiri with notions of inferiority associated with the language. Seems true? ठीक है, इसमें भी लेट मी रिमाइंड यू कि इमोशनल होके मत देखना इस टॉपिक को. ठीक है, अपनी अपनी वो माँ बोली वाला प्यार अंदर अभी मत भड़काना, अभी समझो टॉपिक को. लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है, एवरी 200 इयर्स लैंग्वेज इतनी चेंज हो जाती है कि वो पहले वाली नहीं सेम रहती है. बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं, इट्स अ फैक्ट. आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है डजंट मैटर. ठीक है, फीमेल फिटिसाइड होता है, इट्स अ फैक्ट. अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इट्स अ फैक्ट. राइट, सो इमोशनल नहीं होना है. आइए बच्चे और देखते हैं इसके आगे. हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जो आप लोगों ने बोला था अभी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट देखिए, एंड प्रमोशन रिजल्टेड इन लिमिटेड रीच ऑफ द लैंग्वेज. राइट, एंड वन थिंग जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि किसी लैंग्वेज का डिक्लाइन हम कैसे मेजर करते हैं, वो आपको लास्ट वाले में दिखेगा. थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ द लैंग्वेज एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ प्रमोशन एंड फॉर्मल एजुकेशन, मेजर इसी तरीके से होगा. अदरवाइज ऐसे वो WHO की ऑफिशियल, WHO नहीं, वो क्या है, यूनिसेफ या लैंग्वेज कौन प्रिजर्व करता है, UN की कौन सी एजेंसी प्रिजर्व करती है, यूनेस्को. तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ना आता रहता है कि लास्ट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन, उसका इंटरव्यू कर दिया, लास्ट दिस स्पीकिंग पर्सन. राइट, सो अब इसी तरीके से मेजर करते हो कि फॉर्मल एजुकेशन में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है. हेंस दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर दैट वी हैव डिजिटल टूल्स फॉर कश्मीरी, जो कि इसकी प्रिजर्वेशन के अंदर हेल्प करेगी. दैट मीन्स कि ये केस स्टडी बनेगी आपकी, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज प्रिजर्व करनी है, कुछ भी फॉर दैट मैटर, कुछ भी इस टाइप की नॉलेज प्रिजर्व करनी है, so you can go for digital tools. ये आप as example quote कर सकते हो. Right, I am forgetting the name of the person, यहीं से पढ़े हुए हैं वो, and उनका rank भी बहुत अच्छा आया था. तो उन्होंने अपने mains के answer के अंदर कुछ syncretic ethos के बारे में बात थी कि भाईचारा है ना, भाईचारे का top example इंडिया में क्या हो सकता है. तो उसने जो example लिखा था, I think essay के time आता था उस समय, तो उन्होंने example दिया था कि कश्मीर में जो अमरनाथ temple है, राइट, उनकी जो देख रेख करते हैं वो एक पूरी मुस्लिम फैमिली है, उन्हीं को सौंपा हुआ है सारा. राइट, एंड इट्स अ हिंदू श्राइन, और बहुत एक मेजर हिंदू श्राइन है. तो इस एग्जांपल से उन्होंने बात शुरू करी थी और फिर अपना आंसर एक्सप्लेन किया था. राइट, तो इस टाइप की चीज़ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड रिजल्ट अच्छे आते हैं. एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर हर क्वेश्चन में अगर फालतू आता है, जैसे आप लोग लिखते हो ना बहुत सारे, तो एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर फालतू आता है हर क्वेश्चन के अंदर. राइट, तो उसके बाद में लास्ट में रैंक के अंदर फ़र्क पड़ता है. राइट, चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए. ओके, ग्रेट पॉइंट. हाँ, ये बताओ यार, ये तो अच्छा पॉइंट छेड़ा उन्होंने. वो बोल रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज प्रमोट करना अच्छी बात है बुरी बात है, मतलब करनी है या नहीं करनी है, करनी ही क्यों है, ऐसा सही सवाल है कुछ. हाँ, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, बताओ जी. तो बैरियर आ जाएगा. सर, अगर उसी को हम फिर लिटरेचर में करते हैं लोकल लैंग्वेज में, जैसे भक्ति मूवमेंट जो साउथ में चला था और जो नॉर्थ का था, जो साउथ वाला फिर नॉर्थ में जब वो आए तो वो डिक्लाइन हुआ, वो इसी के लिए हो, क्योंकि जो साउथ के थे उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करा. वो ठीक, आप सही बात बोल रहे हो. कोर्स अच्छे से कन्वर्स हो पाते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये भी एक पॉइंट है. आप सोचते हो उस लैंग्वेज में हो, है ना, अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं जो हम कन्वर्स करना चाहते हैं, जो कैन वी कॉल इट बेटर कम्युनिकेशन. ठीक है, मूव ऑन. और बताओ, बेटर कम्युनिकेशन में और तरीके से भी कर सकता हूँ, मतलब मैं कर लूंगा बेटर कम्युनिकेशन अगर और तरीके से करनी है, जैसे कि मनी, अगर टूरिज्म की बात है. और बताओ क्यों करनी है, ब्रॉड करो इसको थोड़ा सा और ब्रॉड पे सोचो.
अब हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, कल्चर का एक सब पार्ट आपका लैंग्वेज है, तो अगर हम कल्चर क्यों प्रिजर्व करते हैं वो सोच लो. आप कौन हो वो पता लगता है उससे, उसके बिना इंसान खोया रहता है. मोस्टली जितनी भी आपको वर्ल्ड में लड़ाइयाँ मिलेंगी वो आइडेंटिटी के लिए ही मिलेंगी. और हाँ यस पहचान, आइडेंटिटी को अगर हिंदी में बोलें तो, वैसे तो उर्दू का वर्ड है ये, अगर हम उसको हिंदी में बोलें तो इट इज़ पहचान, है ना. तो आप कि जब लैंग्वेज चेंज की जाती है या करवाई जा रही है, अगर आपको परसीव हो गया, ये सारे थ्रेट्स मेरे को परसीव्ड लगते हैं बाय द वे, इट्स अ परसीव्ड थ्रेट कि हमको लग रहा है कि कोई हमारी लैंग्वेज को दबा रहे, नहीं होता ऐसा, पॉसिबल नहीं है, राइट. तो ये एक परसीव्ड थ्रेट है. और बताओ क्या बात कर रहे थे, कोई पॉइंट मिस हो गया मेरे से अभी भी बोलते बोलते. तो मैक्सिमम आपको जितनी भी लड़ाई है वो आपको आइडेंटिटी, हाँ आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे यू कि अल्टीमेटली तो ये वहीं जाएगा सवाल कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड हु वी आर, और ये कोई नया सवाल नहीं है. ये आपको ऋग्वेद में पहला रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट वहीं वहाँ भी मिला हुआ है. आपको पता ही नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ड्यूलिज्म बोल दिया, किसी ने नॉन ड्यूलिज्म बोल दिया, किसी ने वो जो अकबर वाला नहीं, वो अशोका वाला था, आजीविका सेक्ट, हाँ आजीविका सेक्ट ने बोला कि सबकी छोटी छोटी चीज़ें उठा लो, और गॉड तो नहीं है, है ना. तो ये सारे लोग यही ट्राई करते आ रहे हैं कि आप हो कौन, फाइंडिंग योर ट्रू आइडेंटिटी, हु आर यू. कोई बोल रहा है राम बन जाओ, वन विद नेचर, नॉट द वर्ड राम, है ना, टू बी वन विद नेचर, राइट. तो कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ये वो वाली क्वेस्ट है. तो जब इस टाइप का कोई वार होता है ना चीज़ के ऊपर, कोई हमला होता है, तो सबसे पहली चीज़ यही जाती है कि हमारी आइडेंटिटी चलेगी और कल्चर भी प्रिजर्व करते हैं. और तो बहुत सारे कारण मिल जाएंगे अब तो, ये तो बहुत ज़्यादा माइक्रो और इंटरनल कारण है, ये परेशान सबको करता है लेकिन एक्सेप्ट कोई कोई करता है. कल्चर क्यों प्रिजर्व करते हैं हम, कल्चर सबसे ज़्यादा हार्मनी में चलता है आपकी लोकल एनवायरनमेंट के साथ में. आपका जो लोकल कल्चर है वो पूरी तरह सेट होगा आपके लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, और फॉर दैट मैटर आप लोगों के उठने का टाइम चेंज हो जाता होगा घर जाके, और कुछ समय बाद तो पक्का ही हो जाता होगा. चार दिन रुकोगे, पांचवे दिन पक्का सूरज के साथ उठोगे, सूरज के साथ सोओगे आप, मतलब नॉट द आई टी गाय, हाँ द सन, या राइट. तो ऐसे है, तो कल्चर को हम इसलिए भी प्रिजर्व करते हैं, राइट, कि आप लोग हार्मनी में आ जाते, जितने आपके SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वो सब कुछ इससे लिंक्ड है. ठीक है जी, चलें आगे. मिला आंसर है, नहीं इसका आंसर आपको कैसे मिल गया, सिर्फ बात घुमाई गई है यहाँ पे, आंसर नहीं हुआ है इसका, इसका है नहीं कोई. यही करना है आपने पेपर में कि लॉजिकल लग जाए बस ऊपर से लेके नीचे तक. क्या करा अभी हमने पिछले 10 मिनट में, हवाबाजी. आ जाओ एक और आर्ट की चीज़ देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने वाली चीज़ नहीं है. इट इज़ कॉल्ड सोराई पेंटिंग. राइट, ये आपको या तो मोनोक्रोमेटिक मिलती है या फिर इसके अंदर कुछ कुछ बेसिक क्रूड कलर्स होते हैं. राइट, एंड इट्स अ म्यूरल. लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे, डॉक्यूमेंट में देखना एक बार. लिख लो साइड पे, लिख लो कहीं पे. और यहाँ पे ब्रैकेट में ना सोराई खोवार पेंटिंग लिख लो इसको, इसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो यही है सोराई पेंटिंग और दूसरा सोराई खोवर, KHOVAR. मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये बाय द वे. फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ, इसमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है आपके ऑप्शन के अंदर, मैच वगैरह में आएगा ये पेंटिंग वेंटिंग का जो सवाल आएगा. हमने और भी दो चार टाइप की पेंटिंग्स करी हैं इस साल में, तो उन सबका एक हाइब्रिड सा सवाल बन सकता है, मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है. साउथ की कुछ आर्ट फॉर्म्स करी थी हमने, डांस फॉर्म्स करी हैं,
डांस ड्रामास और इस टाइप की चीज़ें करी हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी किए थे हमने, तो ये सारी चीज़ें आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं, राइट। सो एरिया है इसका हजारीबाग, इट्स अ प्लेटू, राइट, ऑफ झारखंड। नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चे, और ट्राइबल कम्युनिटी की पेंटिंग है, हैंस द एंड द ट्राइबल सोसाइटीज आर मैट्रिलिनियर इन नेचर। मैट्रिलिनियर समझते हो क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, स्त्री प्रधान, पैट्रिलिनियर पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, राइट। थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। बाय द वे ये भी एक ट्रिक भी है, जैसे अगर किसी को इंग्लिश में वहाँ पे तो दोनों में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है सवाल, राइट, तो आप थोड़ा सा अगर कहीं फंस जाओ तो पढ़ सकते हो, थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाता है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा कि लिख क्या दिया इसने, राइट, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। आइए बच्चे इसी के रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। अगर आप टॉप पे पॉइंट देखेंगे, विमेन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ट्रेडिशनली क्रिएट दीज पेंटिंग्स, GI टैग इसको मिला हुआ है ना, आई थिंक 2016 में GI टैग मिला था इसे। मैट्रिलिनियर को क्या बोलेंगे फिर, बात तो सही बोल रहे हो तुम, क्या बोलेंगे फिर इसको, मेरा भी ट्रांसलेटर खराब है ना, मैट्रिलिनियर कर लो यार सर्च, अब देखो तुमने मेरे दिमाग में फंसा दिया, ऐसे मत किया करो। मिला कुछ, आइए डॉक्यूमेंट में वापस आइए फिर। हाँ ठीक है, बेचारे इंग्लिश स्कूल के पढ़े हुए, कुछ तो कॉन्वेंट के होंगे इसमें से, है ना, इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े ही होंगे एटलीस्ट, तुमसे वंशी है बुलवा दिया। आओ बच्चे डॉक्यूमेंट देखते हैं। सो क्योंकि इनकी सोसाइटी मातृवंशीय होती है, राइट बच्चे, GI टैग 2016 में मिला इस पेंटिंग को, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं बच्चे, ये इसमें कुछ लिखना भी नहीं हमने, तो ये स्पेस आप आगे वाले टॉपिक्स के लिए यूज़ भी कर सकते हो। कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड थीम्स में अगर आप देखेंगे बच्चे, सोराई पेंटिंग्स आर ए टेस्टमेंट टू द मैट्रियार्कल ट्रेडिशन विद द स्किल्स पास डाउन फ्रॉम द मदर्स टू डॉटर्स, ठीक है। बस इसमें कुछ भी नहीं लिखना है और यही है बस, बाकी म्यूरल्स के बारे में पता होगा सबको, वॉल पेंटिंग्स होती हैं, है ना, तो दो टाइप की होती है, एक को फ्रेस्को बोलते हैं, एक को म्यूरल्स बोलते हैं, राइट। म्यूरल्स इज दी वन जिसके अंदर आप बेस प्रिपेयर करते हो पहले, राइट, तो इसके पहले आप लोग पढ़ोगे कल्चर के अंदर, ये डिटेल में पढ़ोगे इसको कि वट आर फ्रेस्कोज, वट आर म्यूरल्स, कहाँ पे फ्रेस्को हुआ है, कहाँ पे म्यूरल हो रखा है, राइट, तो इट्स अ टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग। अगर किसी को नहीं पता साइड पे लिख लो, स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ वॉल पेंटिंग्स। अब थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है कि कल्चर के वैसे सवाल नहीं आते, पर पहले जब भी इस टाइप का कोई टॉपिक आता था, यूपीएससी कभी भी रिवाइव कर सकता है वो चीज, तो हमको दो तीन चीजें देखनी होती थी उसमें कि रीजन क्या है इसका, बनाया क्या हुआ है जिसको सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है, राइट, और इसके अलावा कि कलर्स कौन से यूज़ किए हैं, किन मटेरियल के साथ में बनाए, राइट, तो देर आर सर्टेन कलर्स जो अगर उस जगह पे नहीं मिल रहे, दैट मींस कि इनका उस रीजन के साथ में ट्रेड है जहाँ पे वो कलर अवेलेबल है, राइट, तो ये सारे पिगमेंट्स होते हैं, तो आपको लोकल फ्लोरा फौना का इन पेंटिंग से पता लगता है, एंड हैंस यूपीएससी इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है प्रीलिम्स में, इसलिए इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं कि आपको पता हो कौन सी पेंटिंग कहाँ पे, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की फीचर्स में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 2 पे, सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, देयर डिजाइंस रेंज फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू वेरियस अदर नेचर इंस्पायर्ड डिजाइंस,
द काउ डंग इज यूज टू एड कलर. ठीक है, चले आगे. जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको HCS, PCS, UPSC, HPS इन चारों में से किसी एक एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है. ये आने ही आने वाला है क्वेश्चन, राइट. ये देखिए एक बारी, 2020 का सवाल है ये. विद द रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पढ़ रहे इसको, देखो एक बारी सवाल को. क्या हो रहा है इस सवाल में, समझ में आ रहा है कुछ? क्या 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 करना चाह रहा है यूपीएससी इधर? पहली स्टेटमेंट पढ़ी, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेट बाय द गवर्नमेंट. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. हमारे पास में मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट. वो क्या करेगी? वो यही सब कर रही है. हम और क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, राइट. और वो इतनी ज़्यादा रेमुनरेटिव है नहीं, राइट. तो इस तरीके से आपकी पहली स्टेटमेंट आउट हो जाएगी. वो खेल आपसे इन दो स्टेटमेंट्स में रहा है टेक्निकली. उसने आपको 50-50 पे ले आया है. वो उसने जैसे ही वन एलिमिनेट किया, राइट, नाउ यू आर हेयर कि आइदर इट इज़ टू और इट इज़ थ्री, यानी कि टू एंड थ्री ओनली या फिर टू ओनली, राइट. यहाँ पे है यूपीएससी जहाँ गेम खेलते हैं. तो इस टाइप के आपके पास में वहाँ पे लगभग ज़्यादा नहीं तो 40 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपके. आजकल होता नहीं है या आपसे नहीं हो रहा है? हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट. अगर जनरलाइज कर दिया तो फिर आप उस पर मेहनत नहीं कर पाओगे. मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे, चलो 30 से कम कर देते, 20 कर दूँ. हाँ, पॉइंट समझो पर, राइट. सो यहाँ पे वो चीज़ खेलेगा. इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होएगी वो फिर आपको थोड़ा सा आपके बाकी चीज़ों से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर को उसने बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज बोला है, राइट. तो होता कि नहीं होता है तो वो आपको देखना है. तो इसीलिए जब हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, होता है बाय द वे, इसका आंसर वही है, 2 and 3 ओनली. हाँ, राइट. तो इसीलिए जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग ना उसको और डीप में जाके पढ़ जाएं, कि हो सकता है वो एग्जैक्टली वो सवाल ना आए लेकिन कोई ऐसा सा निकल जाता है उस चक्कर में. तो अगर 3 या 4 भी इस टाइप से निकल जाएं फालतू, सो आई थिंक यू आर गुड टू गो. राइट नाउ अगर आपका अभी भी राइट नाउ प्रीलिम्स लिया गया तो यू गाइज कैन ईजिली स्कोर 80 मार्क्स, ईजिली 80 तक आप सारे आ जाओगे लगभग, नहीं तो 60 से 80 में तो हो गए ही हो गए. बचे हुए जो 15 नंबर है ना, 15 से 20 नंबर हैं, वहाँ है गेम. और वो ऐसे निकलती है, 15 से 20 मतलब 10 क्वेश्चन. तो जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन की विंडो दी है जिसके अंदर आपको 50% का मार्जिन मिल रहा है, 50-50 तक पहुँच गए हो आप, एक सीधा ही एलिमिनेट हो गया, राइट. तो वहाँ आपकी सिलेक्शन लाया कर सकती है, राइट. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हैंस जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ते हैं इसको. इसमें ना एक और सवाल भी आया था, आई थिंक 2016 का था वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न हमने नीम कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस किया था. और चार रीज़न दिए थे, चारों बहुत ही ज़्यादा कंपेलिंग रीज़न थे. वो चारों देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी सही बोल रहे हैं, ये भी, और चारों हैं भी, वो चारों वैलिड रीज़न थे. उसने पूछा सबसे मेन रीज़न क्या है कि हमने क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया इसको, सारे उसमें चार ऑप्शन थे, राइट. आइए बच्चे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले टॉपिक को देखते हैं, विच इज यूरिया गोल्ड, है ना. ये दुबई वगैरह वाले एरिया में यही यूज करते हैं वो सारे, है ना, जितने शेख लोग हैं अपनी गोल्डन रॉल्स रॉयस में ये वाला गोल्ड यूरिया लेके जाते हैं. आइए बच्चे डॉक्यूमेंट देखिए.
आइए बस एक ना नोट डालो साइड पे पहले, मैं कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें लिखवा देता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सल्फर कोटेड यूरिया, और गोल्ड यूरिया क्यों कहते हैं समझ में आ रहा है ये? हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर, राइट। इट इज अ नॉन ऑर्गेनिक, ये कीवर्ड्स दे रहा हूं आपको मैं कि अगर इसमें आएगा तो आंसर पहचानना कैसे है आपको। नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंटेन्स 37% नाइट्रोजन एंड 17% सल्फर। एक जब अपने वो उसकी एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपकी ज्योग्राफी की, जिसमें सॉयल्स एंड ऑल वाला टॉपिक है, सॉयल्स इन इंडिया वाला टॉपिक है, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सॉयल इन इंडिया वो सल्फर के अंदर डेफिशिएंट है, राइट, है ना। और कुछ कुछ सॉयल्स फॉस्फोरस के अंदर होती हैं, कुछ कुछ सॉयल्स, लेकिन सल्फर ओवरऑल ही कम है, राइट, हैंस दिस न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें हो क्या रहा है कि आपके जो ग्रैन्यूल्स हैं, जो आपके यूरिया के ग्रैन्यूल्स हैं, उसको मोल्टन सल्फर के अंदर डिप किया हुआ है, और सल्फर धीरे धीरे रिलीज होने देता है आपके अंदर वाले मटेरियल को, एंड हैंस इससे क्या फायदा होगा। यहाँ पे ना बच्चे एक स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, बेनिफिट्स ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया के अंदर, सेकेंड स्टेटमेंट शुरू करते हैं, दिस स्लो रिलीज मैकेनिज्म, स्लो रिलीज मैकेनिज्म को अंडरलाइन कर लो, सवाल इसी पे है, ये प्राइमरी है कि वाई आर वी कोटिंग यूरिया विद नीम और सल्फर ताकि स्लो रिलीज हो, दिस इज द प्राइमरी रीजन। स्लो रिलीज होने से क्या फायदा होगा, कैसे वही मेरा सवाल है, कैसे कम क्यों लग रहा है अब सल्फर, ये आपका यूरिया, यस ये है। देखो मेंस में ना ये चाह रहे होते हैं, सवाल अब सबको समझ में आ गया था इमीडिएटली जैसे मैंने पूछा, मेरा सवाल है कि क्यों अब कम कंजम्पशन होगी, है ना। उसका सिंपल कारण ये है कि अब वेस्टेज नहीं होगी, है ना, और जैसे इन्होंने बोला कि देर में डालना पड़ेगा। अब अगर आपके पास में जगह कम है, मैं आपको बोल दूं कि आपको एक ही रीजन प्रोवाइड करना है, जो कि हम मेंस में करते हैं कि जगह और कम कर दी, है ना, हालांकि आई कैन गिव यू द लिबर्टी ऑफ राइटिंग इन 250 वर्ड्स, तो आप और कहानियां दे सकते हो मेरे को, राइट, 150 वर्ड्स, और वो भी 150 वर्ड्स इसीलिए पूछते हैं क्योंकि कम में आपको सही चीज़ एग्जैक्ट चीज़ ही बतानी पड़ेगी, यू हैव टू बी एक्यूरेट, राइट। हाँ, तो दिस इज द रीजन, सही बोल रहे हैं ये, राइट, कि आप अगर आपने यूरिया डाल दिया और वो स्लो रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ यूरिया कैन नर्चर अ प्लांट फॉर लॉन्गर, राइट। और कुछ स्टैट भी था इसका, अगर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे बच्चे, 15 kg ऑफ यूरिया गोल्ड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स इक्वल टू 20 kg ऑफ कन्वेंशनल यूरिया, और अभी इसकी प्राइसेस कंट्रोल्ड भी हैं, तो ओवरऑल जो है इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, ये उससे थोड़ा सा महंगा है, ये नीम कोटेड भी महंगा है नॉर्मल यूरिया से, बट जब आप ओवरऑल कॉस्ट देखते हो इसकी, राइट, तो ये सस्ता है। दो बार आपके हमने तीन, एक बार लिख लिया और दो बार ही मेंशन कर दिए, इफ यू सी हाउ यूरिया गोल्ड इज बेटर देन अदर, इज लिख लेना यहाँ पे, ये कैसे स्लैंग लैंग्वेज में ऐसा लग रहा है ना, मैं रैप किया हुआ इधर,
हाउ यूरिया गोल्ड इज बेटर देन अदर्स, तो वहां पे अगर आप देखेंगे बच्चे, फैसिलिटेट्स द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स अवेलेबिलिटी एंड अपटेक बाय क्रॉप्स. ठीक है, अपटेक की बात कर रही है, दैट मीन्स ये एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा है. एड्सॉर्प्शन के लिए आपको ऊपर पॉइंट मिलेगा बच्चे, सेकंड लास्ट पॉइंट बेनिफिट्स में, इट इंक्रीजेज द नाइट्रोजन एड्सॉर्प्शन एफिशिएंसी बाय 40% एंड इंप्रूव्स द प्लांट ग्रोथ एंड एक और चीज आप लोग मार्क कर सकते हो, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. हालांकि ये लोग एग्रीकल्चर के अंदर डील कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट? तो अगर वो सीधा आपसे मिनिस्ट्री पूछ लें तो कंफ्यूज मत होना, वी हैव अ मिनिस्ट्री नेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स. एक बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ये फर्टिलाइजर्स की. कौन सी वाली? डायमोनियम फॉस्फेट वाली बोल रहे? डैप, डीएपी. ओ नैनो यूरिया. यार कंपैरिजन दोनों का तो मुझे नहीं पता, ये कन्वेंशनल वाले उसका बता रहे हैं ये, पर ये दोनों उस टेक्निक में आएगा. एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, अदरवेज हेडिंग डाल लीजिए. हाँ जी, मतलब इसको ना टॉपिक को थोड़ा ब्रॉड करते हैं, ऐसे लेके चलते हैं कि अगर हमने फार्मिंग को एफिशिएंट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना? उनमें से एक आपका ये नैनो यूरिया हो गया, राइट? और ऑप्शंस देख लेते हैं हम कि फार्मिंग किस किस चीज़ से बेटर होती है. इसका और उसके कंपैरिजन का मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है. ये बहुत नया फिनोमिना है, अभी तो आरसीएफ को बोला गया है कि आप करो इसको, मैन्युफैक्चर करना है, निकालो, अभी पायलट फेज में ही है, ये आई नहीं है इतनी रिसर्च. सर ये शायद पाउडर फॉर्म में होगा ना? हाँ हाँ, ये पढ़ा ना. और वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना? तो उनका सवाल है कि एफिशिएंट ज़्यादा कौन सा है, तो दैट आई डोंट नो. अभी आप में से अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो वो हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ पे. आप ही हो, आपने तो सवाल खड़ा किया है. उस वे में एफिशिएंट नहीं है. ठीक है, यूजेज के अंदर इशू है कि अगर आपको मान लो ग्रीन हाउस में यूज़ करना है तो आप नैनो वाला यूज़ कर लोगे, और अगर खेत में करना है तो आप ये वाला, ऐसा कुछ. ठीक है बच्चे, क्या हमने एडिंग डाली है? फॉर एफिशिएंट एग्रीकल्चर. एफिशिएंट एग्रीकल्चर फर्टिलाइजिंग लिख लेना साथ में, या तो फर्टिलाइजर्स भी बात करेंगे. इसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे को इतना याद नहीं है, पर हम लिस्ट बना सकते हैं. अभी एक तो यही हो गया नैनो यूरिया. क्या क्या इनिशिएटिव है, कुछ याद आ रहा है? हाँ, एक सॉइल हेल्थ कार्ड वाला लिख लो, सॉइल हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव. जिस जिसको जो जो चीज़ नहीं पता पूरी सर्च कर लेना, ये आपके कंपटीशन को पता है, ठीक है? उन्होंने बताया. और थोड़ा और माइक्रो में जाऊँ, मैं फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. मैं हेडिंग में लिखा है ना हमने, हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है. गवर्नमेंट कंट्रोल है इसकी प्रोडक्शन के ऊपर, राइट? आर गवर्नमेंट
बहुत ज्यादा क्योस रहते हैं, बहुत ज्यादा क्योस, इसकी वजह से तो वो सवाल नहीं है बच्चे अभी। मैं पूछ रहा हूँ इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं फर्टिलाइजिंग जो हम कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर की, उसकी एक बड़ी लिस्ट, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड इज एन गुड एग्जाम्पल, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ कुछ इस टाइप की चीज, गवर्नेंस में मत जाओ बच्चे, गवर्नेंस को थोड़ा सा साइड स्टेप करो, अभी गवर्नेंस पे बात नहीं कर रहे हैं हम कि हो नहीं, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास ऑप्शन क्या है। आप मान के चलो कि आप चीफ मिनिस्टर हो, आपके पास में सारा एक्सेस है, अब बताओ मेरे पास भी आपके पास में क्या क्या पड़ा है। गवर्नेंस इशू में नहीं जाना अभी, वो अलग टॉपिक है कि क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, वो फिर हम गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे। हाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ टू एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट फर्टिलाइजर, तो आप ये चीज़ आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। अभी हम एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल समझो। बात आप सही कह रहे हो, वो नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। इसमें लीकेज है, अवेयरनेस नहीं है, राइट, अवेलेबिलिटी नहीं है, ओवर यूज़ है, एजुकेटेड नहीं है फार्मर, साथ वाले अपना ही साथ वाला पॉइंट जहाँ पे मछलियाँ पाली हुई उसी की यूट्रोफिकेशन कर देते हैं जस्ट बिकॉज इधर खेत में ज़्यादा यूरिया डाल रखा है, राइट, वहाँ पे मछलियाँ मर गई। आते रहते हैं ये वाले केसेस, जो लोकल न्यूज़ चैनल नहीं होते पंजाब के, इन में ही आता रहता है। तो इवन आपके जैसे ही वहाँ पे वो ऑफिसर होता है कि वो आके उनको पत्रकार हैं और गांव वालों को समझा रहा होता है कि यहाँ पे ना BOD बढ़ गई है जी इसकी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ और वो समझ जाते हैं सारे गाँव वाले कि ओ अच्छा BOD बढ़ गई है। राइट तो वो गवर्नेंस का इशू है सेकेंड वाला। अभी और क्या है, एक आपने कौन से वाला बोला था वो नैनो यूरिया, हाँ नैनो यूरिया लिखो। क्या क्या है हमारे पास, अवेलेबिलिटी क्या है, मेरे पास वेपन कौन कौन से, मैं नहीं चला रहा वो अलग बात है, पर मेरी अलमारी में क्या क्या पड़ा है। हाँ प्रिसीजन फार्मिंग, हाँ जी बच्चे, हाँ यस, इसको ना कंबाइन कर देते हैं, इसको हम ना फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, फोर्टिफाइड यूरिया लिख लो, एक हेडिंग डालो इसी में, फोर्टिफाइड यूरिया। नहीं एनीथिंग जिसके अंदर आप उसके एनहेंस कर रहे हो, एनीथिंग, यूरिया भी फोर्टिफाइड होता है आपका, फर्टिलाइजर फोर्टिफाइड है, पेस्टिसाइड्स फोर्टिफाइड है, सॉल्ट फोर्टिफाइड होता है, क्या लिखे हमने, हाँ फोर्टिफाइड यूरिया। इसके नीचे आप लिख लीजिए, आप जैसे जिन्होंने एग्जांपल दिए डैप, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता बच्चे वो भी लिख लेना साथ में। हाँ नीम कोटेड यूरिया, यस। वैसे नीम कोटेड यूरिया इट्स नॉट अ फोर्टिफाइड यूरिया बाय द वे, नीम कोटेड यूरिया फोर्टिफाइड यूरिया नहीं है, ये फोर्टिफाइड है। इसके अंदर हम लोग ना एक तो वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है यूरिया, है ना, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, प्लस उसके अंदर हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी डाल देते हैं मेजर वाले, और एक हम डाल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये लिख लो वहां पे, एडिशन ऑफ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एडिशन ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, दो होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिनको हम फोर्टिफाई करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन दोनों में फर्क मत पूछना मेरे से, मेरे को नहीं पता है, वो मेरे को याद है बस कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन से हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, हाँ आयरन, जिंक, बोरॉन, मॉलिबिडनम, MOLY, BD, ENUM, कॉपर,
निकल एंड मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज है इधर, उसमें सेकेंडरी वाले में मैग्नीशियम है, सात हो गए हैं पूरे कि छह हुए हैं, सात हो गए हैं, अरे वाह यार सात ही हैं, एक बार बताना कुछ गलत तो नहीं लिखा, कौन कौन से हैं, बोरेन नहीं बोरॉन, बी ओ आर ओ एन, मैंगनीज, ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर व्हाट डज इट मीन, आप लोगों ने कभी टेलर से कपड़े सिलवाए हैं, उसकी फिटिंग और बाहर की फिटिंग में फर्क होता है, टेलर क्या करता है, इट प्रिसाइजली फिट्स नाप लेके, तो प्रिसीजन फार्मिंग इज एग्जैक्टली दैट कि आपके खेत में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और कैसे मेजर करना है, वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, इट कुड बी आई, है ना, सिंपल देख के कोई बता रहा है, नोट करके बता रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, रिमोट सेंसिंग एंड ऑल, प्रिसीजन फार्मिंग इज एग्जैक्टली दैट ओनली, है ना, कि आपके खेत के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्या रहेगा, राइट, सो इट इज कॉल्ड, लिखना है आपने, अगर लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, टेलर्ड फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, टेलर्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्रॉप्स, टाइम ऑफ ईयर एंड सॉइल नीड्स, देन वी हैव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक ये प्रोग्राम चलता है जिसमें एजुकेट करते हैं फार्मर्स को कि आप 4-1 आ जाओ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लानिंग, ऐसे लिखिए आप, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लानिंग, इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, आप एंश्योरिंग द ऑप्टिमम, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, इंश्योरिंग द ऑप्टिमम एन पी के बैलेंस, कैपिटल्स में एन और ऐसे रेशो का साइन बना देना, एन रेशो पी रेशो के, एन पी के बैलेंस ऑफ 4-1, हाँ सकती है, इसको वहां लेके चलते हैं ना कि वी कैन ड्राइव डाइवर्सिफिकेशन में और लेग्यूमिनस क्रॉप्स, क्या चीज, ये पॉइंट भी ठीक बोल रहा है, कैसे एक्सप्लेन करो इसको, दैट मींस कि यील्ड के मामले में एफिशिएंट नहीं है, हाँ बट ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि जिसके अंदर अब तो हम हमारे पास वो वाले मैकेनिज्म है जिसमें हम इन्वायरमेंट को हमने कितना मॉनेटरी नुकसान किया है हम लोग वो कन्वर्ट करते हैं राइट, तो फर्टिलाइजर्स का जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इन्वायरमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो आजकल जितने भी स्टैट्स आते हैं वो सारी सब्जेक्टिव चीज़ों को क्वांटिफाई करने की कोशिश की हुई है, तो आप सही बोल रहे हो कि ओवरऑल उसका यील्ड कम रहता है पर इनपुट भी बहुत कम रहता है उस मामले में, तो इफ देर इज अ टेंडेंसी देर इज अ चांस कि हम लोग उधर को जाएं एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन फॉर मोर एफिशिएंट फार्मिंग, हाँ एन नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर, उसमें सोच सही रहे हो आप कि अगर कि आपके पास में खेत है अब इसमें से मैक्सिमम मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ राइट, उसके जैसे ही मैं केमिकल्स ऐड करूँगा वैसे, हाँ सही बात है, यस वही मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मतलब इट मे सीम लाइक कि आप अगर अब यील्ड की बात करोगे देन यू आर राइट,
कि यील्ड तो ऑर्गेनिक में कम ही आएगा स्टार्टिंग के अंदर, हाँ, पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं उसमें, जो आपने ऐसी इस तरीके से क्रॉप ग्रो करी होती है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है ना, तभी दैट्स वाई वी से दैट आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लो इन दिनों, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते ही हैं, रीजन बीइंग कि आपको लग रहा है कि आपकी उस क्रॉप के अंदर वो है पर वो है नहीं है, दैट्स वाई वी नीड टू फोर्ट सॉल्ट तक तो फोर्टिफाई कर रहे हैं हम. हाँ, प्रिसीजन फार्मिंग में आ जाएगा वो, कि प्रिसीजन फार्मिंग को किस तरीके से यूज़ करना है. सही है, ये आपको ना पेपर में सवाल आएगा, ये एनपीके वाला रेशो लिख ली इसकी 4:2:1, व्हाट इज एनपीके? हाँ ठीक है, जिसको नहीं पता लिख लो, एनपीके इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम. जब भी आपने फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं हम क्रॉप्स के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम बैलेंस रहता है, विच विल इंश्योर योर एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट एज वेल एज योर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो ये आपको PCS के अंदर, पंजाब और हरियाणा के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, दोनों एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं ना, तो एग्रीकल्चर का इस टाइप का सवाल आ सकता है कि NPK की आइडियल रेशो क्या होती है, ऑप्टिमम रेशो. पंजाब की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, और मोस्टली ये लोग PPSC वगैरह वाले वो यहीं से उठाते हैं सवाल, रीज़न बीइंग कि इसके बाद में कोर्ट में जब चैलेंज होता है तो वो सीधा रेफर करते हैं कि मिनिस्ट्री ने बोला हुआ है, राइट? तो वो अवॉइड करते हैं ऐसे सवाल जो कि एम्बिग्यूस हो, है ना, जिन पे कंसेंसस ना हो, ऑपोजिट रिसर्च आ रखी हो, तो इस टाइप के सवाल अवॉइड होते हैं जनरली, और वो जनरली वेबसाइट से ही उठाए होते हैं. अगर हम हेडिंग डाल दें एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स करके और उसमें ये सब कुछ डाल दें, या मेरे को ना याद नहीं आ रहा है कि उसमें एग्जैक्टली जीरो टिलेज और फर्टिलाइजर का आपस में क्या लिंक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट अगर इसको डालना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हेडिंग डाल सकते हैं और जितने भी आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पता है बीच बीच में यहाँ पे डालते रहो. अदर फार्मिंग टेक्निक जिसके अंदर वो कम यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर, एक और फार्मिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग फर्टिलाइजर टोटली अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ कि अगर हम लेग्यूमिनियस क्रॉप्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन कहीं और से करवा दें, अभी तो हम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे रहे हैं ना, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा के बॉडी बिल्डिंग हो रही है, राइट? बट देर इज़ नेचुरल डाइट ऑल्सो विच इज़ अवेलेबल, है ना, तो हम वो लिख लेते हैं. क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन लिख लो इसे, उसी में आता है क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. क्या होता है इसे, इट रिड्यूसेस द एक्सेसिव डिमांड फॉर यूरिया. और इसमें एक और आप सेमी कॉलन डाल के पॉइंट लिख लीजिए, एक लेग्यूमिनियस क्रॉप जिसमें जो उसको एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट अपना, वो लेग्यूम्स की फॉर्म के अंदर स्टोर करता है, उसको लेग्यूमिनियस क्रॉप्स बोलते हैं. लेग्यूमिनियस, LEGUMINOUS. एग्जांपल देना कोई लेग्यूमिनियस क्रॉप का. पहले वाला क्या बोला आपने? ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके ऊपर भी सवाल अच्छे आते हैं, जब आप इकोलॉजी पढ़ो तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, खासकर आपके बैक्टीरिया एंड फंगस. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और सल्फर फिक्सेशन करती है, राइट? तो ये दोनों आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, एग्जैक्ट कौन सी स्पीशीज क्या करती है. जब ये उसमें आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जब ये सवाल आता है तो इतने कॉम्प्लेक्स लगते हैं वो ऑप्शंस देखने में, क्योंकि वो टेक्निकल नाम डाल देते हैं उसके अंदर, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि पढ़ा हुआ कहाँ है, और जौन सा पढ़ा हुआ होता है वही आंसर होता है उसका, राइट? बाकी इधर उधर से आए हुए होते हैं, तो थोड़ा सही से इसको करके देखना. और एक आप लिख लीजिए, नीम कोटेड यूरिया.
पंजाब हरियाणा और हिमाचल का जो पेपर देने वाले हैं वो RCFB याद रख लें प्लीज़, कि इट इज़ मेड बाय विच कंपनी, और मैंने लिख के दे दिया है आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। UPSC मे और मे नॉट आस्क, अगर UPSC पूछेगा तो वो स्टेटमेंट में ही डालेगा, ऐसे किसी स्टेटमेंट में आ जाएगा वो, राइट। नीम कोटेड यूरिया लिख लिया, उसमें ना एक एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए। एक तो यही पॉइंट लिख लो डैश डाल के, कंट्रोल्ड रिलीज अवॉइड, कंट्रोल्ड रिलीज सेमीकॉलन अवॉइडिंग लीचिंग, लीचिंग एंड वॉलेटाइलाइजेशन, इट्स अ टर्म VOLATILIZATION, है ना, देर बाय इंप्रूविंग एफिशिएंसी, है ना। और एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, नीम ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये टेक्निकल टर्म है वो, उसका साइंटिफिक नेम है AZADIRACHTA, इंडिका, AZADIRACHTA स्पेस इंडिका, INDICA। तो ये पंजाब वाले आपसे पूछ सकते हैं, पंजाब और हरियाणा वाले पूछ सकते हैं कि जो आपका नीम कोटेड यूरिया है, राइट, उसमें जो नीम ऑयल है वो कौन से पर्टिकुलर प्लांट से लिया जाता है, तो दिस इज दैट पर्टिकुलर प्लांट। बच्चे एक और टर्म है, ये भी आप लिख ही लो इसमें से, क्योंकि सवाल तो आना ही है तो सारे कवर कर लेते हैं। तो ऐसे लिख लो आप टर्म, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी NUE, हम इसमें मेजर करते हैं ये। रेशो ऑफ, हाँ जी, NUE, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। रेशो ऑफ क्रॉप नाइट्रोजन अपटेक, टू द टोटल इनपुट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये मतलब ग्रेन यील्ड और कितना नाइट्रोजन हमने स्प्रे किया था या डाला था उसको डिवाइड करके कुछ रेशो बनती है, आपके जो सवाल में आएगी वो इतना ही आएगा कि क्या होती है NUE, ठीक है जी। चलें जी आगे, इस जैसे नाम के ना बहुत सारी स्कीम्स हैं और कुछ कुछ इसके अराउंड आता रहता है, जस्ट टू बी केयरफुल कि वो पूछ क्या रहा है। सो इट इज कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट,
ठीक है बच्चे, और लास्ट में अगर आप देखेंगे उसमें डेलिकेसीज मेड ऑफ कोर्स ग्रेन्स, मोटा दाना, कोर्स ग्रेन्स, और इसके अलावा इन्होंने लोकेशन दी हुई है महाकाल लोक इन उज्जैन, यहाँ पे एक टेम्पल है राइट, तो टेम्पल के एरिया के अंदर ही ये इन्होंने फूड स्ट्रीट खोली है। बच्चे एक ना साइड पे आप नोट डाल लीजिए, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, will give food handling training comma food safety on wheels, ये इनका एक initiative है तो वो भी साथ में ही cover हो जाएगा comma food safety, उसमें FS ये सब capital लिखना, FSNW capital, food safety on wheels will come once a week, तो ये इनिशिएटिव उनका है बस उसके लिए लिख रहे हैं हम इसे ना। बच्चे इसमें एक तो चलो ये स्ट्रीट वगैरह इम्पॉर्टेंट हो गई है, कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है ये इतना बेसिक सा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना इसमें थर्ड लास्ट पॉइंट, इट इज़ इन लाइन विद द विजन ऑफ विकसित भारत। सो एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था आपको याद होगा, विजन इंडिया एट 2047 है ना, 25 साल वाला जो डॉक्यूमेंट है, तो ये बोल रहे हैं कि उसका सब पार्ट है, समहाउ इट इज़ एनहेंसिंग जो आपका विजन 2047 है उसका कहीं कहीं सब पार्ट है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट डालते हैं। इसके अलावा बच्चे आप फाइनेंशियल असिस्टेंस में अगर देखेंगे तो वहां पे अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन द रेशियो 60-40 और 90-10 डिपेंडिंग ऑन एलिजिबिलिटी, कैसे शेयर होगी इसकी कॉस्ट, कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न ये है इसका, इसको मार्क कर लीजिए। एक चीज जो मैं नहीं नोट करके आया यहां पे या कुछ है वो ये है कि इस टाइप की चीज से फायदा क्या होता है, वाई आर वी डूइंग इट। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी एक बात, हेल्थ अवेयरनेस साथ साथ में, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रीट फूड से अवेयरनेस के इसमें ना, कि अगर हमने ठीक है लोकल कल्चर हो गया, और आपका क्या पॉइंट बोला आपने भी, हाँ ये वाली क्रॉप्स क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स होती हैं, कम पानी लगता है इनमें, और यहाँ पे ना क्रॉप्स की वो भी गिवन है, ऑफर डिशेज मेड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए राजगीर, सानवा, कुट्टू तो आपको पता होगा, रागी पता होगा आपको, एंड बाकी शायद आपको ना पता हो राइट। हाँ इनकी प्रमोशन में काम में आता है, और बोलो बोलो मैंने कैसे वो हेल्थ में नहीं आ जाएगा बच्चे, हेल्थ लिख चुके ना हम, हेल्थ नहीं आएगा तो हम दोबारा भी लिख लेंगे, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि क्या लगता है। और बताइए,
नहीं ऐसे समझो इस चीज को, तो आप लोग ना इसको, हमने कंसंट्रेट कर दिया उसे, हमने एक स्ट्रीट फूड बना दिया, हमने एक लोकेशन बना दी जहां पे यही सब कुछ मिल रहा है। तो एक तो पॉइंट ये होगा कि ये सब कुछ क्यों मिलता है, हम इसको इस टाइप की चीज को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, हमने कंसंट्रेट क्यों किया है, एक जगह पे क्यों ले आए हैं हम इन चीजों को, क्लस्टर बनेगा इनका तो क्या होगा उससे, यस हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, सही बात है, इजी रेगुलेशन। हाँ अब सही सोच रहे हो तुम, इसको बोलते हैं दायरा बड़ा करके सोचना। एक तो यह कि मिल ही क्यों रहा है ना हेल्दी, वो तो वैलिड है हर बाकी जगह पे भी है। सवाल मेनली यहाँ पे ये है कि वाई स्ट्रीट फूड, हमने एक जगह ही क्यों एसोसिएट कर दी है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और मतलब अब आप सही जगह पे जा रहे हो, प्रमोशन आसान है, और विजन 2047 के डॉक्यूमेंट के अंदर ना एक मेजर एस्पेक्ट है जिसका है इंक्रीजिंग कम्पिटिटिवनेस, वेग है टर्म, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, अक्रॉस सेक्टर्स ये वो इस टाइप से करके लिखा हुआ है, पर वो ये बोल रहे हैं कि हमने कंपटीशन इंक्रीज करना है। तो उस वे में किसने बोला था कंपटीशन यहाँ पे, हाँ तो ये कंपटीशन वैलिड पॉइंट है। आपका क्या पॉइंट था बच्चे, हाँ मार्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ये भी विजन का डॉक्यूमेंट, विजन 2047 के अंदर ये भी पॉइंट है, राइट। सो माई पॉइंट इज कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये आपके अदरवाइज भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा इस टाइप की, बस सोच का दायरा थोड़ा सा बड़ा रखना है, वो सब नहीं लिखना जो कोई भी सोच सकता है, कभी ना ध्यान से सोच के देखना कि वंस आई एक्सप्लेन यू अ टॉपिक, आप जो लोग पॉइंट्स बोलते हो, डू यू थिंक कि बाहर एक नॉर्मल सड़क पर चलता हुआ बंदा भी अगर उसमें 10 मिनट स्पेंड करूं उससे मैं ये वाले पॉइंट्स निकलवा सकता हूं, है ना, क्योंकि बहुत डम डाउन करके एक्सप्लेन की जाती है ना चीज, मेन टेस्ट तो आपका यहां होता है आपके आंसर्स के अंदर, राइट, मेन टेस्ट तो इधर है कि आप लोग खुद घर लेके जाओ, स्पेंड करो टाइम, देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वहां पे आपको देर विल बी नो वन टू कम्युनिकेट टू यू, राइट। तो ये बात सही लगी, लिख लें फिर एक बार इसका विजन इंडिया एट 2047। स्ट्रीट फूड महंगी होती है, महंगी नहीं होती, तो हाउ आर दे अर्निंग, स्केल होने की वजह से, मतलब अगर एक ले रहे हो तो मतलब वो एक पे नहीं कमा रहा है, स्ट्रीट फूड में इसमें तो होगी बच्चे, इसमें तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गई है, लिखा हुआ है कहीं पे, यहाँ बिल्डर 1.7 पे, हाँ एक एरिया डेवलप करने के लिए, एरिया डेवलप कर दिया ना, जैसे यार मैं आपको अगर बहुत आसान भाषा में समझाऊँ ना, आप लोगों ने चंडी ये मेले वेले लगे हुए देखे होंगे सारे, तो इसमें जो एक स्टॉक मतलब वो लोग सेटअप कर देते हैं, समवन एल्स इज सेट, वो सेटअप किया सारा खर्चा उसका, सरकार को वन टाइम पेमेंट उसने करी है जो कि हेफ्टी अमाउंट होती है, राइट। उसके बाद में वो छोटे छोटे वेंडर्स को स्टॉल बेच देते हैं कि 15,000 पर डे, एंट्री के पास वाला इतने का, एग्जिट के पास वाला इतने का, राइट। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी ने करी है, वो सरकार कर रही है, इसके बाद में तो आपको स्ट्रीट फूड आके चलाना ही पड़ेगा। क्या पॉइंट था आपका, मैं अभी भी यार आई फील कि इस जगह पे मतलब मे बी आपको और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, बट ये स्ट्रीट फूड टाइप की चीज़ ना ये एक्स्ट्रा मनी प्लांट करने की जगह होती है हाउस होल्ड्स की ना, कि आप लोग ज़रूरत की चीज़ें अलग होती हैं, ये लग्जरी उसके बाकी चीज़ों के अंदर आ जाती हैं, ये मे बी आप थोड़ा सा बैचलरहुड की तरह सोच रहे हो, हाउस होल्ड की तरह नहीं सोच रहे हो, नॉट एवरी वन इज़ लिविंग आउटसाइड होम, और लोग किचन बना लेते होते हैं बाहर आके भी, तो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, यू मे बी राइट, वो भी मैं आई गिव यू दी बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे। ये कहाँ से इकट्ठे कर रहे हो तुम लोग ये वाले डेटा पॉइंट्स,
हाँ जी, अरे चलो दोनों की होगी ये सहेलियां। या अल्लाह, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg आटा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। अगर आप वो चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो हमारी वो क्या था वो फीड इंडिया वाले जो मिशन हैं, इसीलिए हम 2 रुपए के सब्सिडाइज बर्गर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम वहां पे 2 रुपए के आटा दाल और चावल ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरी वन, स्ट्रीट फूड इज कॉस्टलियर। अगर आप वो स्ट्रीट फूड नहीं है, यार आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बहुत बार ये चीज रिमाइंड करा चुका हूँ, स्टॉप एक्सट्रापोलेटिंग योर सिचुएशन टू द होल ऑफ इंडिया। यू आर लिविंग इन अ पैराडाइज, ये फ्रांस है इंडिया का जहां पे तुम लोग रह रहे हो, यहां की रियलिटी तुम्हें इंडिया की रियलिटी देखने को नहीं मिलेगी, राइट। और ये जो तुमने माइक्रो एग्जांपल चूज कर रखे हैं कि किसी भिखारी को 20 रुपए दिए और उसने जाके खाना खा लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बैगिंग इज इलीगल, ठीक है, मांगने नहीं होते देने नहीं होते, राइट। इसके अलावा जितनी हमारी स्कीम्स हैं जो हम फोर्टिफिकेशन और इस टाइप की बातें कर रहे हैं, वो किसी और एंगल पे लेके जा रही है, उन्हीं के लिए है ये। कौन सी वाली? हाँ तो तुम्ही ने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, मैं तो उसी को पकड़ रहा हूँ। अभी उन्होंने वो चीज जस्टिफाई किया मुझे, एग्जैक्टली हाँ हाँ जी, क्या करूँ, बहुत चर्चा करने का भी मन कर रहा है पर बाकियों की जैसे थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए मुझे लग रहा है मूव ऑन करना चाहिए। एक अगर हम इसको सम अप करें जस्ट टू सी कि दो साइड्स क्या हैं इस कॉन्वर्सेशन की, एक ये है आपका पॉइंट, अगर मैं इफ आई टेक द लिबर्टी टू फ्रेम योर पॉइंट कि स्ट्रीट फूड इज नॉट दैट कॉस्टली, इट इज स्ट्रीट फूड इज अफोर्डेबल, हाँ ये स्टेटमेंट है आपकी कि स्ट्रीट फूड इज अफोर्डेबल कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। मत करो कंपेयर, मत करो, खराब हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रीट फूड, नमक डल जाएगा उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। सो यू आर सेइंग कि स्ट्रीट फूड इज अफोर्डेबल एंड स्ट्रीट फूड की अगर हम इस टाइप की कोई इनिशिएटिव, लेट्स बिल्ड ऑन इट, इस टाइप का अगर कोई इनिशिएटिव लेके आते हैं, राइट, दैट मीन्स कि हम हंगर एलिवेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे जस्ट बिकॉज स्ट्रीट फूड इज अफोर्डेबल। मोर अमाउंट ऑफ स्ट्रीट फूड दैट मीन्स कि हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन कर पाएंगे और कोई भूखा नहीं सोएगा, बिल्डिंग ऑन दैट पॉइंट ओनली, जस्ट बिकॉज स्ट्रीट फूड इज अफोर्डेबल। ये पर्टिकुलर है जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ये इसीलिए बोला हुआ है, इसीलिए इसको आज हमने पढ़ रहे हैं, नाउ वी हैव हिट द प्रॉपर पॉइंट। ये पर्टिकुलर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द स्ट्रीट फूड दैट इज एक्चुअली हेल्दी, राइट। इसके अंदर हम लोग जैसे पीयूष ने पहले पॉइंट बोले थे कि हम लोग उन क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट के लिए भी अच्छी है और हमारे गट के लिए भी अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, राइट, है ना। तो हैंस अगर हमने कोई मेंस का आंसर लिखना हो तो वी कैन राइट की प्रमोट स्ट्रीट फूड्स फॉर है ना एलिवेटिंग हंगर जस्ट बिकॉज स्ट्रीट फूड इज अफोर्डेबल। केवियट में ये पॉइंट डाल देंगे कि मैं शायद मैकडी समझ रहा हूँ, नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं होता है, नहीं होता है। अगर आप फूड कंजम्पशन की बात कर रहे हो सो जिन बैगर्स की ये भी बात कर रहे हैं उनका भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे ऑल्सो बिल्ड, मतलब दे ऑल्सो कुक देयर ओन फूड क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट चुन सकते हो, है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हो, सस्ता पड़ता है वो। यस,
मतलब ऑब्वियस तो नहीं है इसमें, पर अगर कोई बंदा कोई सर्विस दे रहा है आपको, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, हाउ इज दैट पर्सन अर्निंग, बस मेरे को इस चीज का जवाब दे दो. यस, दैट मीन्स उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ सेल, मस्ट बी. एंड इट इज सेड इकोनॉमिक्स के इस वाली मार्केट के अंदर में दैट स्ट्रीट फूड इज द ओनली वेंचर जिसके अंदर आपको लॉस नहीं होता. अगर जितना भी आप लेके जा रहे हो, आप उतना तो लेके कमा के वापस आ ही जाते हो, प्रॉफिट ना हो, लॉस नहीं होता है इसमें. तो बस मैं आप बस यही सोचना कि वेयर दैट प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम, वो किसकी पॉकेट से आ रहा है, आप किन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, मेरे को बस वो समझ में नहीं आ रहा है. इनको छोड़ दो, आप अपने स्टेटमेंट पे पक्के रहो आप. मतलब अगर एक कोई एक से लॉस हो रहा है, लेकिन जब हमने कंबाइन किया सबका प्रॉफिट में चला गया, नॉट पॉसिबल. मैथमेटिकली रॉन्ग हो रहा है अभी ये इलॉजिकली रॉन्ग है. उसको हर एक से, चाहे वो प्रॉफिट कितना भी कम क्यों ना हो, मैं बोल रहा हूँ वो एक रुपए का प्रॉफिट है, तो महंगा हो गया ना. अगर यार बाकी लोग समझ रहे हैं मैं क्या, कोई डेफिनेशन में दिक्कत नहीं है. मैं नहीं ले रहा हूं लग्जरी, सरकार ले रही है आपकी इसको एज अ लग्जरी. दिस इज द फैक्ट. एक फायदा रहता है, मैंने आपको पहले भी चीज बताई थी, व्हेन देयर इज अ फैक्ट उसमें ओपिनियंस हमेशा सेकेंडरी रहते हैं. I am respecting your opinions, but I am sorry to say they are ill-informed as of now. ठीक है, your मतलब ठीक है, मतलब जहाँ पे fact है वहाँ पे opinions की इतनी ज़्यादा requirement नहीं होती है, right? मिल 10 मिनट में मिलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा head clear करके आते हैं अपना. हाँ, इसको आके लिखते हैं बच्चे. Vision 2047 आके लिखते हैं. जी बच्चे, ऑनलाइन बच्चे आपके चार लोगों के मेरे को आंसर्स मिल गए थे, राइट? उसका मैं भेजता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज वाले आज ही आए हैं, तो इनको चेक करता हूँ मैं, और साथ में इनके कंपैरिजन में आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आज या कल तक भेज दूँ. कीप ऑन राइटिंग. सभी आ गए हैं क्या? कोई तो मिसिंग लग रहा है मुझे क्लास में से. ठीक है, आ जाओ बच्चे, उसके ऊपर लिख लेते हैं. आ जाओ बच्चे, विजन इंडिया एट 2047, ये डॉक्यूमेंट का नाम है. सबसे पहले तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट दिया किसने है, तो लिख लीजिए इसमें आप, इनिशिएटेड बाय नीति आयोग. इट्स अ बेसिकली ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स. सो कब दिया होगा उन्होंने ये?
मतलब हम 2047 में से 25 माइनस करके हाँ निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है बच्चे, एस्पेक्ट्स ऑफ विकसित भारत, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग एक डेवलप्ड देश बनना चाह रहे हैं, है ना, तो हमारे लिए एक विकसित भारत का विजन क्या है, राइट, वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से गाइड करता है। नंबर वन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा होगा ये, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल देर आर सर्टेन एरियाज जहां पे ना इनपुट आउटपुट रेशो ना इतनी फेवरेबल नहीं होती, राइट। फॉर एग्जांपल आप लोग इस तैयारी में इसीलिए हो कि इसकी ना इनपुट आउटपुट रेशो, इफ देर इज एनी आउटपुट, इनपुट आउटपुट रेशो बहुत मार्वलस है ना, बहुत ज़्यादा फेवरेबल है कि आपको इतना इतना पढ़ना है ना, उसके बाद में बदले में आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, सो इट्स वेरी फेवरेबल। लेकिन देर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो इतना फेवरेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट। तो हम चाह रहे हैं कि हम लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर से स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म हो जाएं टूवर्ड्स हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स, जैसे कि सर्विस सेक्टर। सर्विस के अलावा एक और सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं मेक इन इंडिया और इन सब चीज़ों से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट, बिकॉज वहाँ पे टेंजिबल चीज़ें होती हैं, इकॉनमी को टेंजिबल चीज़ें पसंद हैं, वही है बेसिकली इकॉनमी। लिख लीजिए, इसको लिखना है, शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज। नाउ हाउ विल वी स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म, इज वी माने सरकार, शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए सच एज एग्रीकल्चर, फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स टू हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी जो चीज चल रही है ना, बिकॉज हम लोग विकसित भारत का क्या डॉक्यूमेंट है, क्या हमारे मूल्यज हैं उसके ऊपर, मॉरल्स क्या रहेंगे उसके ऊपर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, क्या डायरेक्शन रहेगी, बेसिकली ब्लूप्रिंट, ये वो है। तो आपका ना मेंस के बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से सॉल्व होंगी, राइट, कि इंडिया को हम किस तरफ को लेके जाना चाह रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट्स, ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट्स, क्या मतलब हुआ इस चीज का, लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स जब भी हम बात करते हैं, वैसे लेबर रिफॉर्म्स आर मेनली कंसर्न्ड विद द लेबर लॉज, राइट, बट जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट्स और हम इसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, यस, दैट मीन्स ये इंक्रीज करना चाह रहे हैं क्वालिटी एंड योर क्वांटिटी ऑफ लेबर, एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, जिसमें क्वालिटी में आपके वाला आ गया, विच मीन्स स्किल्स। एक्सक्यूज मी, इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, और कॉमा डाल के लिख लीजिए एनहेंसिंग स्किल्स, एंड एक टर्म होती है एम्प्लॉयबिलिटी, एंड एनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वर्कर्स। और लेबर रिफॉर्म्स इसका बहुत बड़ा पार्ट है, तो एक और चीज लिख लीजिए कॉमा डाल के, एंश्योरिंग, जब भी हम ऐसे लेबर रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, तो वी ऑट टू यूज सर्टेन वर्ड, जैसे कि फेयर, है ना, तो फेयर रेगुलेशंस, तो ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, एंश्योरिंग फेयर एंड एफिशिएंट लेबर रेगुलेशंस। और
और जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं दैट ऑल्सो सब्स्यूम्स द पॉइंट कि हमने इनफॉर्मेलिटी राइट इसको डिक्रीज करना है, इनफॉर्मल लेबर मार्केट को डिक्रीज करना है. एंड हैंस हम लोग स्ट्रीट फूड्स को FSSAI के थ्रू रेगुलेट कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं. लेबर रेगुलेशन ऐसे कि आपके कितने घंटे का काम होगा फैक्ट्री में अगर जा रहे हो राइट. अगर कोई इंजरी हो जाती है फैक्ट्री में तो कौन लायबल है, कितनी उम्र के बंदे को कहाँ भेज सकते हो आप. अगर कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब है तो उसमें जैसे माइन वर्कर्स एक्ट है, एक फॉरगेटिंग द ईयर ऑफ दैट, 48 का है, तो वो वाला जो एक्ट है उसके अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि शाम के 7 बजे के बाद में माइन के अंदर फीमेल नहीं जाएंगी, जाएंगी तो 3 के ग्रुप में जाएंगी. इस टाइप की लेबर प्रोटेक्शंस है. चिल्ड्रन को अलाउड नहीं है. अगर प्लांटेशन वर्कर्स का कोई एक्ट है राइट, तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि अगर 25 से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पे 25 से ज़्यादा फीमेल काम कर रहे हैं आपकी प्लांटेशन उसके अंदर राइट, तो वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी देनी ज़रूरी है. ये सब सेफ गार्ड्स, मैटर्निटी लीव है ना, ये सब चीज़ें कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मैटर्निटी लीव पे जा रहा है तो अपने जॉब से निकाल दिया. ये है लेबर रिफॉर्म्स. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस. ये रियलाइज करते रहे ना डॉक्यूमेंट को साथ साथ में कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है. ये इंडिया का नक्शा है, 2047 तक हम ये अचीव करना चाह रहे हैं. आपका मेंस बहुत शॉर्ट हो जाएगा अगर इसको आपने समझ लिया. इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप, इंप्रूविंग दी, ये रियलाइज करना पॉइंट, इंप्रूविंग दी क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अगेन ये वही पॉइंट आया कि स्पेशलाइजेशन आती है आपकी इकोनॉमी में जो आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है. जो जो आपके दिमाग में आ रहा है ना कि इंडिया का नक्शा कैसा होना चाहिए आगे जाके, क्या क्या गाइडिंग है, तो उसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करना, देखना कितना मैच हो रहा है, कितना मिसिंग जा रहा था राइट. नेक्स्ट इज इंप्रूविंग फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन. इंप्रूविंग फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन, इसका सीधा सीधा मतलब ना, जब भी हम सोशल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं इसके दो ही मतलब होते हैं, इंक्रीजिंग द एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी. इंक्लूजन का बेसिक मतलब यही होता है. अगर आपने इंक्लूजन करनी है, सोशल इंक्लूजन या फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसका मतलब यही है कि लिख लीजिए इसको भी साथ में आप, बच्चे, एक्सपेंडिंग द एक्सेस, ACCESS, एक्सेस रीच मतलब पहुंच, एंड अफोर्डेबिलिटी. क्या होता है इससे वैसे, क्यों करना है इंक्लूड, व्हाई इज सोशल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, क्यों करना है. इकोनॉमी गैप कम होगा तो आपको, आपसे लोअर वाला बंदा आपको सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा. फिर अगर गैप खत्म हो गया आप में और उस बंदे में, गैप कम हो गया जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी सर्विस जो आप खुद नहीं लेना चाहोगे, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग योर ओन स्ट्रीट, हु विल प्रोवाइड, चाहिए आपको गैप खत्म हो जाए, नहीं चाहिए आपको, गैप आया है किसी कारण से. ये मतलब ये वाले गैप्स आपको नेचर में भी देखने को मिलते हैं, है ना. हाँ, अरे आप तो पलट ही गए अपनी बात से, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं, हमारे विजन में क्यों है इंक्लूजन. इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताइए मुझे, ठीक है, पर इससे क्या फायदा होगा, क्यों करने हैं तुमने, सोचो सोचो, बड़ा अच्छा सा सवाल इसमें आंसर मिलेगा तुम्हें लास्ट में. डू यू फील कि ऐसा तुम्हारी इच्छा हुई कभी आज तक,
क्या होगा उससे? सक्सेस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, तो फिर डिमांड बढ़ेगा। अगर लोगों की जे बॉटम ऑफ द पिरामिड को अगर आपने पैसा प्रोवाइड कर दिया, चाहे फाइनेंशियल क्रेडिट के थ्रू कर दिया, कुछ भी, वो क्या कर रहे हैं उस डिमांड से, वो अलग बात है कि आर दे डिमांडिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, है ना, और आर दे डिमांडिंग कि वीज़ा लगवाऊँ और मैं भी चले जाऊँ बाहर, व्हाट आर दे डिमांडिंग, है ना। तो ये सोसाइटी आपकी इकॉनमी के अंदर डिमांड इंक्रीज होती है इंक्लूजन से। बॉटम ऑफ द पिरामिड के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इट इज बल्क ऑफ पीपल, मेजर चंक ऑफ पीपल है, यस। तो नीचे ज्यादा लोग हैं, इसलिए वो सर्विसेज तो हमेशा रहेंगी। कौन सी वाली? जब कह रही थी कि जो स्ट्रीट साफ करने वाली है, तो वो सर्विसेज, वो अलग अलग एंगल पे जाती है वो बात, सोशल इंक्लूजन पे जाती है, तो हम हो ही जाएंगे। जैसे आप बोल रहे हो कि उनको एंपावर कर दिया, तो धीरे धीरे मार्केट से अवेलेबिलिटी कम होगी, तो फिर अगेंस्ट फिर से हम पुश करेंगे नीचे को, फिर वो बढ़ेंगे। मेरा सवाल आपसे कुछ और था, डू यू वॉन्ट गैप कम हो, कैन यू सर्वाइव अगर गैप कम हो गया? कैन सोसाइटी सर्वाइव अगर इसके अंदर अप डाउन मूवमेंट नहीं हो? ले लो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ले लो चाहे साथ में एक, हाँ एक चीज जो कॉन्स्टेंट रही है डिफरेंस, बताओ बताओ। हाँ इसलिए मैं बोलता हूँ फैक्ट को ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ती, ये फैक्ट है, इट्स अ सोशल फैक्ट कि सोसाइटी में डिफरेंशिएशन होती है, तभी आपकी मोबिलिटी पॉसिबल होती है, तभी आप लोग एस्पायर कर रहे हो। अगर आपसे कोई नीचे नहीं है, मतलब कोई ऊपर भी नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हो इधर, फिर किसको सर्व करना है? That's why हम लोग, there is no state called communist state, there is a idea called communism, जिसको utopian idea बोला हुआ है, कि वो external है ही नहीं, वो internal है। You can right now be a communist अपने mind के अंदर, once you feel कि हाँ भी मेरे से कोई नीचे नहीं है। बहुत सारी problem solve होती हैं उससे वैसे, once you feel आपसे कोई नीचे नहीं है, तो आपका ना ऊपर वाला डर खत्म हो जाता है। किस वजह से? हाँ, बिहार इज ट्राइंग, बिहार का जो भी लेटेस्ट उन्होंने सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, और उसके बाद में जो उनके बेस के ऊपर उन्होंने रिजर्वेशंस दिए हैं ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस, है ना। हम लोग, हमने अब तक वर्टिकल का बताया आपको, है ना, तो ये अपकमिंग टर्म्स हैं, ये नेक्स्ट ये होने वाला है। उलझ गया थोड़ा सा? हाँ, ये लगेंगे आपको थोड़े साल इससे बाहर आने में, जब आपके अपनी डेफिनेशन थोड़ी झूठी साबित होंगी ना आप ही के सामने। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल पीस ऑफ मिरर, ये आपके हक में इसलिए नहीं है क्योंकि आप छोटे बड़े में बिलीव करते हो, आपके लिए वो जॉब एक्चुअली छोटी है। इफ़ इट स्टार्ट पेइंग इक्वली, तो वो सिर्फ एक जॉब है अभी आपके लिए, आपकी नज़र में एक जॉब अच्छी है, एक जॉब बुरी है, एक जॉब ऊपर है, एक जॉब नीचे है, यहाँ से प्रॉब्लम आई है, हो जाएगी दूर, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? तो इसका सोशल इंक्लूजन का जो मेन मुद्दा होता है ना, जो अभी तक आपको लग रहा था कि आप भला कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो, नहीं हो, डिमांड इंक्रीज होती है, इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाती है, मनी हैंड्स चेंज करना शुरू कर देती है, राइट, समझे, फिर शायद आपकी स्ट्रीट फूड जो है और बिकना शुरू हो जाए, फिर भी वो महंगा ही रहेगा, स्टिल इट विल बी कॉस्टलियर। नहीं तो हमें स्कीम बंद कर देनी चाहिए, उज्ज्वला स्कीम जो हम सिलेंडर वगैरह दे रहे हैं ना, कि क्लीन कुकिंग वाला करो सब, तो मतलब है ना, प्रधानमंत्री नेशनल बर्गर योजना कुछ के ना, समथिंग लाइक दैट। आइए बच्चे नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट जिसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया भी है, और हमारा मैक्सिमम क्लास में गवर्नेंस के ऊपर हम इसी चीज को देखते हैं कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या हुए हैं। आज हम गवर्नेंस रिफॉर्म के ऊपर एक और टॉपिक करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यूजीसी की गाइडलाइंस हैं कुछ, तो उनके बारे में बात करेंगे हम। आइए गवर्नेंस रिफॉर्म्स,
गवर्नेंस रिफॉर्म्स को ना मैं बहुत आसान एक लाइन में आपको लिखवा देता हूँ, कहीं भी चिपका देना, हर जगह वैलिड होएगी। स्ट्रेंथनिंग रूल ऑफ लॉ, यही है गवर्नेंस रिफॉर्म्स ना, स्ट्रेंथनिंग रूल ऑफ लॉ कॉमा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन, दैट इज योर गवर्नेंस रिफॉर्म्स, चाहे कहीं पे भी कर लो। हाँ जी बच्चे, रूल ऑफ लॉ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन, क्या होगा इससे? ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम इसको, अदरवाइज ये ऊपर से भी जा सकता है। अगर रूल ऑफ लॉ इंक्रीज हो जाए, अच्छा हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है एंड पार्टिसिपेशन अच्छी है। पार्टिसिपेशन मतलब डिसीजन मेकिंग के अंदर मासिस की पार्टिसिपेशन, या फिर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन कि डिसीजन यूनैनिमस होना चाहिए मोस्टली, क्यों होना चाहिए? कैसे, व्हाट डज इट मीन फ्रेमवर्क रेजिलिएंट हो गया? करप्शन होने के कम चांसेस है। हाँ ये है, और अब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ करो। हाँ कैसे? अकाउंटेबिलिटी पार्टिसिपेशन। हाँ डेमोक्रेसी के उसके सक्सेसफुल होने के लिए ना पार्टिसिपेशन के अलावा एक और चीज चाहिए होती है, दैट इज द ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस टाइप की चीज ना आपका वी कैन से दैट कि इट एनहेंसेज योर ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी, राइट? लिख लीजिए क्या करेगा ये। दिस कैन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं ट्राई कर रहा हूं आप ही के बोले हुए पॉइंट्स इसी में डाल दें, कॉमा रिड्यूस करप्शन, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इरेडिकेटिंग, रिड्यूस करप्शन, करप्शन भी सोशल रियलिटी है, ठीक है। आप लोग भी जिस दिन आपने पेरेंट्स से कुछ बात मनवानी होती है अपने पक्ष की, तो आप भी उनको ब्राइब करते हो अलग अलग मेथड से, अच्छा बिहेवियर इज वन ऑफ देम, जल्दी टाइम पे घर आ जाना, उनकी कई कोई बात मान लेनी लगातार दो दिन, और फिर दो दिन की शाम को बोलना उन्हें, यस करप्शन, करप्शन कुछ भी एनीथिंग, मतलब आपका जो आपकी ड्यूटी है अगर आप वो नहीं कर रहे हो इट इज करप्शन। ब्राइबरी इज अ सब पार्ट ऑफ करप्शन, कि आपने पैसा ही पकड़ा दिया उसको, या सामान ही दे दिया, या गाड़ी की चाबी ही दे दी, जैसे डॉक्टर्स को नहीं पहले था, फार्मा वाले करते थे कंपनी वाले कि क्लब महिंद्रा में भेज दिया ये शिमला से पहले कि चार दिन आप फैमिली के साथ चले जाओ, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी, दस ये डायरेक्ट फॉर्म्स होती हैं। अदरवाइज लाइक इफ यू आर बाउंड बाई योर ड्यूटी के आंसर लिखने हैं एंड आपने नहीं लिखे, इट्स अ फॉर्म ऑफ करप्शन, कि आपकी ड्यूटी थी आपने नहीं किया, ठीक है। हाँ क्या लिखा है अभी हमने लास्ट में, रिड्यूस करप्शन एंड एनहेंस ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी। लास्ट इज सीजिंग अपॉर्चुनिटीज इन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये डॉक्यूमेंट का पार्ट है। हमने गवर्नेंस रिफॉर्म्स लिखा था लास्ट है ना, हाँ जी बच्चे, सीजिंग अपॉर्चुनिटीज इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये वाली ग्रीन रेवोल्यूशन उस वाली ग्रीन रेवोल्यूशन से अलग है, दिस मीन्स ग्रीनिंग ऑफ योर एनर्जी नीड्स। हाँ एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर ज्यादा है ये वाला पॉइंट, आप चाहो तो लिख सकते हैं, दिस रेफर्स टू अडॉप्टिंग एंड प्रमोटिंग, दिस रेफर्स टू अडॉप्टिंग एंड प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस,
जिसके अंदर आपका रीन्यूएबल एनर्जी आ जाएगा, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी आ जाएगी, जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े हैं ये बीई वाले स्टार रेटिंग मॉडल्स और वो कार्बन ट्रेडिंग वाले जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर क्लाइमेट रेजिलियंस, चाहे वो आपके इंफ्रा में हो चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, कि क्लाइमेट आपको इतना ज़्यादा नुकसान ना करे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।